हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श गोपाल। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट 2 की सीरीज चलती आ रही है, उसी सीरीज का एक अगला पार्ट। अब इस सीरीज में हमने काफी सारे टॉपिक को अब तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के देख सकते हैं। सारी वीडियोज के मैंने फ्री नोट्स भी उन वीडियो में अवेलेबल कराए, उन वीडियो में मैंने आपको फ्री नोट्स के बारे में भी बता रखा है। आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा गिरवी का, यानी कि प्लीज का। इसके भी सारे नोट्स मैं आपको फ्री में अवेलेबल कराने वाला हूँ। कैसे कराने वाला हूँ वीडियो के एंड में मैं आपको बताता हूँ। अब गिरवी जो टॉपिक है, गिरवी टॉपिक एक टॉपिक इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था उपनिधान का टॉपिक। अब गिरवी जो है उपनिधान का एक पार्ट है, यानी कि उपनिधान के जो बहुत सारे भाग है, 6 भाग है, उन 6 में से एक भाग है गिरवी। तो इससे पहले हम उपनिधान पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो पहले आप वो पढ़ लीजिए ताकि आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ सके। अब स्टार्ट करते हैं। गिरवी क्या होता है? गिरवी हम आम भाषा में भी काफी सुनते हैं, यानी कि एक कॉमन वर्ड है, ये वर्ड काफी प्रचलित वर्ड है। अब बुक से हट करके मैं आपको पहले आम भाषा में समझा देता हूँ कि गिरवी क्या होता है। गिरवी का सीधा सा मतलब है कि किसी से अगर कोई पैसे उधार लिए हैं, या किसी से कोई चीज उधार लिए, या किसी को कोई काम करने का वचन दिया है, तो उस वचन के बदले, उसकी सेफ्टी के बदले, उसके पैसों की सेफ्टी के बदले हम कोई अपनी कीमती चीज उसके पास कुछ समय के लिए रख देते हैं कि जब तक हम उसे उसके पैसे वापस नहीं लौटा देते तब तक के लिए वो हमारी कीमती चीज़ उसके पास पड़ी रहती है। जब हम उसे पैसे लौटा देते हैं तो वो हमें वो चीज़ वापस कर देता है, तो ये कहलाता है गिरवी। अब इसको हम बुक की भाषा में समझ लेते हैं। गिरवी की परिभाषा कहाँ दे रखी है? गिरवी की परिभाषा भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के सेक्शन 172 में इसकी परिभाषा दे रखी है। इसकी परिभाषा क्या दे रखी है? इसकी परिभाषा दे रखी है कि किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभू के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। अब उपनिधान हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर के देख लीजिए। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि उपनिधान का मतलब होता है किसी चीज को किसी अन्य व्यक्ति को कुछ समय के लिए देना और बाद में वापस ले लेना, उपनिधान कहलाता है। थोड़े टाइम के लिए किसी चीज को किसी व्यक्ति को देना और बाद में वापस ले लेना, उपनिधान कहलाता है। शॉर्ट में एक बार इसी तरह से समझ लीजिए। तो किसी ऋण के संदाय के लिए, यानी कि किसी कोई ऋण ले रखा है उसका ऋण की भरपाई के लिए, या किसी वचन के पालन के लिए, कोई वचन दे रखा है उसके पालन के लिए प्रतिभू के तौर पर। प्रतिभू का मतलब होता है कि सिक्योरिटी के रूप में कोई माल का उपनिधान, यानी कि कोई ऐसा सामान, कीमती सामान का उपनिधान, यानी कि कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को दे रखा हो, ये प्रोसेस जो है गिरवी कहलाती है। इसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति है। ए व्यक्ति को पैसों की जरूरत थी। ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति से 10,000 रुपए उधार लिए। बी व्यक्ति ने ए व्यक्ति को 10,000 रुपए उधार दे दिए, पर बी व्यक्ति ने ए व्यक्ति से अपने 10,000 रुपए वापस लेने तक, या अपने 10,000 रुपए की सेफ्टी के लिए, अपने 10,000 रुपए के लिए प्रतिभू के तौर पर ए व्यक्ति की बाइक अपने पास रख ली। तो जो पैसे इसने दिए और अपने पास बाइक रख ली, ये जो प्रोसेस हुई ये गिरवी कहलाती है। यानी कि बाइक क्या थी? बाइक या प्रतिभूति सिक्योरिटी के रूप में इसने अपने पास रखी, और इस किसके लिए? ऋण के संदाय के लिए इसने 10,000 रुपये दिए थे, और 10,000 रुपये के संदाय के लिए उसने बाइक अपने पास रख लिया। अब यहाँ 10,000 रुपये भी हो सकते थे या कोई वचन भी हो सकता था। मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई काम करने का वचन दे दिया, तो उस वचन के लिए भी ये बाइक अपने पास रख सकता था, गिरवी रख सकता था। तो ऋण के संदाय के लिए भी हो सकता है या किसी वचन के पालन के लिए भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जब तक ये पैसे वापस नहीं लौटा देता तब तक बाइक इसके पास रहेगी। जब ये पैसे लौटा देगा तो बाइक उसे फिर से ए को हैंडओवर हो जाएगी। यानी कि कोई कीमती चीज़ को अपने पैसे की सिक्योरिटी के लिए, अपने वचन की सिक्योरिटी के लिए अपने पास रखना गिरवी कहलाता है। अब गिरवी में हमेशा दो पक्षकार होते हैं, पहला वो जो पैसे उधार लेता है, दूसरा वो जो पैसे उधार देता है और किसी चीज़ को सिक्योरिटी के रूप में अपने पास रखता है। तो इन दोनों व्यक्तियों को क्या कहते हैं? इन दोनों व्यक्तियों को कहते हैं, पहला व्यक्ति होता है परमयकार, इसे पोनर भी कहते हैं, और दूसरा व्यक्ति होता है परमयदार, जिसे पोनी भी कहते हैं। परमयकार वो व्यक्ति होता है, ध्यान रहे, परमयकार, और दूसरा व्यक्ति है परमयदार। परमयकार वो व्यक्ति होता है जो उधार लेता है और अपनी कीमती वस्तु को इस परमयदार के पास गिरवी रखता है। यानी कि परमयकार पैसे उधार लेता है, या परमयकार ए व्यक्ति परमयकार है और बी व्यक्ति जो है परमयदार है। यानी कि परमयकार
इस पणमेदार से पैसे उधार लेता है और पणमेदार इस पणमेकार से किसी कीमती वस्तु को अपने पास रख लेता है, अपने पैसों की सिक्योरिटी के लिए अपने पास रख लेता है। यानी कि जो पैसे उधार देता है और जो सिक्योरिटी के लिए सामान अपने पास रख लेता है वो पणमेदार कहलाता है, और जो सिक्योरिटी देता है और पैसे उधार लेता है या कोई वचन का पालन करने की बात करता है वो पणमेकार कहलाता है। यानी कि ये पणमेकार पणमेदार से पैसे लेता है और पणमेदार पणमेकार से कोई भी कीमती वस्तु अपने पास रख लेता है। तो इन दोनों नाम को आपको याद रखना है, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके बीच में। पणमेकार और पणमेदार दोनों अलग वर्ड्स हैं, दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके आवश्यक तत्व की। अब आवश्यक तत्व की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे नोट्स मैं आपको फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ, हर वीडियो के लगभग मैं अवेलेबल करा ही रहा हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एक डायरेक्ट गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से सारे नोट्स के PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं गिरवी और उपनिधान के बीच में जो डिफरेंस है उन दोनों को समझाने वाला हूँ, क्योंकि उपनिधान का ही एक पार्ट है गिरवी। अब ये दोनों आपस में कैसे अलग है इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको भी मैं अगली वीडियो में समझाने वाला हूँ। अभी हम गिरवी के बारे में पढ़ रहे हैं, अब इसके आवश्यक तत्वों को भी पढ़ लेते हैं। इसके मिक्स चार आवश्यक तत्व हैं, तो कौन कौन से? पहला तो है चल संपत्ति का होना। किसी भी गिरवी के लिए, किसी भी गिरवी की संविदा के लिए आवश्यक है कि केवल चल संपत्ति को ही गिरवी के रूप में रखा जा सकता है। यानी कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल चीज है, उसी को गिरवी के रूप में रखा जा सकता है। यही चीज हमने उपनिदान में भी पढ़ी थी, चल संपत्ति को ही गिरवी के रूप में रखा जा सकता है। कौन कौन सी? ऐसी चीज जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाई या ले जाई जा सकती है, जैसे कोई पेन है, कोई बाइक है, कोई चेन है सोने की, या कोई घड़ा हो गया, सोने का घड़ा हो गया, या ऐसी कोई भी चीज जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, कार बाइक कुछ भी हो सकती है, उस चीज को गिरवी रखा जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई चीज जो मूवेबल नहीं है, यानी कि कोई घर हो गया, कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई ऐसी चीज है, तो उसे इस अधिनियम के अंदर गिरवी नहीं रखा जा सकता। गिरवी के लिए आवश्यक है कि चल संपत्ति का होना, चल संपत्ति को ही गिरवी के कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रखा जा सकता है, गिरवी के रूप में उस संपत्ति को रखा जा सकता है। इसमें चल संपत्ति में कोई सरकारी वचन पत्र भी हो सकता है, किसी कंपनी के शेयर्स भी हो सकते हैं, कोई वचन पत्र भी हो सकता है, यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन पैसों के अलावा होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो मूवेबल हो लेकिन वो पैसे नहीं होने चाहिए, रुपए नहीं होने चाहिए, रुपए के अलावा और कोई भी चल संपत्ति को गिरवी रखा जा सकता है। सेकंड आवश्यक तत्व है कि कब्जे का परिधान किया जाना। गिरवी की संविदा के लिए दूसरा आवश्यक तत्व है कि कब्जे का पूर्ण रूप से परिधान किया जाए। केवल नाम मात्र के लिए किया गया परिधान से गिरवी की संविदा मान्य नहीं हो जाती, गिरवी की संविदा वैध नहीं हो जा सकती है। कब्जे का पूर्ण रूप से परिधान किया जाना आवश्यक है। यानी कि जो व्यक्ति पणमेकार है, इस पणमेकार को अपनी किसी कीमती वस्तु का पूर्ण रूप से कब्जा पणमेदार को सौंपना होगा, तभी जाकर के गिरवी की संविदा पूर्ण मानी जाएगी। इसी को एक केस में कोर्ट ने बताया भी था, पंजाब का केस है शायद ये, सुनील कुमार वर्सेस पंजाब एंड सिंध बैंक। इस केस में कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी भी वस्तु का कब्जा पूर्ण रूप से जब तक दूसरे व्यक्ति के पास नहीं आ जाता तब तक वो संविदा जो है गिरवी की संविदा के रूप में नहीं गिनी जा सकती। तीसरा आवश्यक तत्व है संविदा का होना। इस गिरवी की संविदा के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट का होना आवश्यक है। वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ ये लिखा गया हो कि इस कारण की वजह से, यानी कि इतने रुपए के लिए मैं अपनी ये कीमती वस्तु इसके पास गिरवी के रूप में रखता हूँ, यानी कि उसमें उस कीमती वस्तु को मेंशन किया गया हो और किस वजह से वो गिरवी रखी गई है, किस काम के लिए या किस कितने रुपए के लिए, किसी रुपए के लिए रखी गई है या किसी वचन के लिए रखी गई है, ये मेंशन किया गया हो। यानी कि ये दो चीज़ें मेंशन होनी आवश्यक है, एक तो क्या चीज़ गिरवी रखी गई है, दूसरी किस लिए गिरवी रखी गई है। इन दोनों चीज़ों का उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए, तब जाकर के एक वैध गिरवी की संविदा बनेगी और उस संविदा को वैध गिरवी की संविदा माना जाएगा। अब फोर्थ और लास्ट पॉइंट है परिधान का प्रतिभूति के तौर पर किया जाना। प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी के रूप में, भाई ए व्यक्ति ने जो बी व्यक्ति के पास अपनी बाइक रखी थी वो सिक्योरिटी के रूप में रखी थी कि बी व्यक्ति के 10,000 रुपये मेरे पास है, जब 10,000 रुपये ये लौटा देगा तो उससे बाइक लौटानी होगी। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपये भी ये रख ले और बाइक भी ये रख ले, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ये गिरवी की संविदा नहीं होगी। तो क्या गिरवी की संविदा के लिए क्या आवश्यक है कि वो सिक्योरिटी के रूप में किसी चीज़ को रखा जाए और संविदा के पूर्ण होने पर उसे फिर से लौटा दिया जाए, ये चीज़ आवश्यक है।
जब तक ये नहीं होगा कि सिक्योरिटी के रूप में कोई चीज नहीं रखी जा रही है, अगर मान लीजिए ए व्यक्ति जो है बी व्यक्ति से सिर्फ पैसे उधार लेता है और उसे अपनी बाइक गिरवी नहीं देता है, किस कोई भी अपनी कीमती चीज उसके पास नहीं रखता, तो ये संविदा भी गिरवी की संविदा नहीं होगी। और मान लीजिए ये बाइक गिरवी रखता है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि पैसे लौटाने के बाद भी बाइक वापस नहीं लौटानी है, तो भी ये गिरवी की संविदा नहीं मानी जाएगी। यानी कि गिरवी की संविदा तभी होगी जब कोई कीमती वस्तु प्रतिभु के रूप में यानी कि सिक्योरिटी के रूप में रखी जाए और उसे बाद में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर फिर से लौटा दिया जाए। अब ये तो हो गया हमारा गिरवी का पूरा टॉपिक। इसके बाद में आपको गिरवी और उपनिदान, क्योंकि उपनिदान का ही गिरवी एक पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। बारिश की वजह से हो सकता है साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा कम आई हो या सही से नहीं आई हो, अगर सही नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट टाइम मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।